प्रवासी मजदूर वास्ते जी वेखो साढ़े लागे 5-7 साल तो रह रहे हैं, सानू इन्हां दा कोई दुख कंप्लेन नहीं है, वधिया बंदे तरीके नाल अपना काम करते रोटी खाते ही, जे इन्हां नाल धक्का होया तो इन्हां नूं इंसाफ दिता जाए, साडी इहो मंग आ। जिन्हां दे काम करते जी सानू उन्हां बारे तो कोई पता नहीं है, पर कोई बब्बू ना दसदे आ, जिस तरह इन्हें दस्या मारिया कुटिया वा तो बहुत निंदन योग गल आ। दुखी हो गए पुलिस वालों ने विश्वास दवाया कि अं बनती कारवाई करा गए। ਉਹਦੇ ਬੋਚ ਚੋਂ ਸੁਸਾਇਟ ਨੋਟ ਵੀ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਕਾਰਨ ਸੁਸਾਇਟ ਕੀਤੀ ਆ। ਸੁਸਾਇਟ ਨੋਟ ਕਿਤੇ ਕੋਲ ਉਹ ਅਜ ਅਨਚਾਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋਈ ਅੰਦਰ ਹੀ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਜੋਤੀ ਹੈ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋ, ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ? ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਧੱਕਾ ਹੋਇਆ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧੱਕਾ ਹੋਇਆ ਵਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜੇ ਕੋਠੀਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਇਦਾਂ ਕਰਨ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਘਰ ਘਰ ਰਹੀ ਤੇ ਘਰ ਘਰ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਵਾ, ਚੋਰੀ ਦਾ ਨਾਂ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦਾ, ਅੱਜ ਇਹਦਾ ਲਾਇਆ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਵੀ ਲਾ ਸਕਦੀ ਆ। ਤੇ ਕਿਹਦਾ ਨਾਮ ਆ, ਇਹਨੇ ਇੱਕ ਜਨਾਨੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਨਾਮ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਾਫੀ ਜਨਾਨੀਆਂ ਵਾ, ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਜਨਾਨੀ ਲੱਗਦੀ ਉਹਨੇ ਮੈਂ ਮਨਾ ਕਰਦੀ ਆ ਕਿ ਉਹਦੇ ਘਰ ਨਾ ਲੱਗੋ, ਉਹ ਚੋਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਲਾ ਦਿੰਦੀ ਆ। ਠੀਕ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਇਹਨੂੰ ਕਾਂਤਾ ਬਾਈ ਨੂੰ ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਉਹਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁੜਦੀ ਰਹੀ ਆ। ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਆਈ, ਮੈਂ ਥਾਣੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਥਾਣੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਸਾਡੀ ਨਹੀਂ ਉਦੋਂ ਸੁਣਾਈ ਹੋਈ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈਣ ਤਾਂ ਰਾਤ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੇ ਮਾਰਿਆ, ਫਿਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮਾਰਿਆ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ, ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਫਾਹ ਲੈ ਲਿਆ। ਕਿੰਨੀ ਉਮਰ ਸੀ ਉਹਦੀ? ਉਮਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, 35 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਆ। ਹੁਣ ਕੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ? ਹੁਣ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲੇ, ਇਹਨੂੰ ਇਨਸਾਫ, ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਨੱਥ ਪਵੇ, ਗਾਂਹ ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਨਾ ਕਰੇ। ਠੀਕ ਆ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਉਹ ਵੀ ਜਨਾਨੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੋਨ 'ਤੇ ਉਹਨੇ ਨਾਂ ਲਾਏ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਉਹ ਵੀ ਹੈਗੀ ਆ ਵਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਉਹ ਵੀ ਹੈਗੀ ਆ ਵਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਅੰਦਰ ਵਾੜ ਕੇ ਕੁੱਟਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਆ, ਇੱਕ ਲੇਡੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਆ, ਬਥੇਰੀ ਆ ਵਾ, ਉਹ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम कांता भाई है जी। आपके पति का क्या नाम है? मुन्ना लाल है जी। तो क्या हुआ आपके साथ? हमारे साथ हम जहाँ काम करती थी ना, मैंने वहाँ उसको जो बब्बू नाम है उनकी जहाँ कोठी में मैं काम करती हूँ, वो मुझे सुबह 8 बजे लेके जाती थी, घर से आके मारती हुई लेके जाती थी, काम करवा के भी मारती थी उसने अपने घर पे। पैसे में आपकी बात हुई थी काम पर? 5,000 की जी। क्या हुआ उसके बाद? ये काम भी करवाती थी, मारती भी थी। अभी क्या हुआ है? अभी चोरी का इल्जाम लगाया तो। कितना का? कितने का? 4,000 का। 4,000 रुपए का इल्जाम लगाया? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो फिर क्या हुआ? फिर हमने केस भी किया था उसके ऊपर जी। ठीक है जी। तो हमारे तरफ से कोई उधर से कोई आया ही नहीं जी, 3 दिन से हमारे को भगाते रहे, हम मियाँ बीवी को आते रहे, फिर भी उसने आया नहीं जी। हार के हमने खुद उसके घर गए कि हमारे मोबाइल दे दे, हमने कुछ नहीं किया, तो अपने घर में लेके हम मियाँ बीवी को रस्सी में बांध के बहुत मारा जी। अच्छा, तो उसके बाद क्या हुआ? मारने के बाद क्या हुआ आपके साथ? उस मारने के बाद मेरे और मेरे घर वाले को कत्ल का इल्ज़ाम लगाया उन्होंने, कि उन लोग बोले कि मेरे को चाकू लेकर आए हमारे घर हमको कत्ल करने के लिए, लेकिन हम लोग चाकू लेके गए नहीं जी, वो लोग हमारे को फंसा रहे हैं। तो अभी आपके पति के साथ क्या हुआ? अभी मेरे घर वाले ने, ये लोग बाबू ने, बाबू के टेंशन मेरे घर वाले ने आत्महत्या की है, उसका जिम्मेदार वही है, मेरे को इंसाफ दो। आपके बच्चे कितने हैं? मेरे बच्चे 2 हैं जी। कितने साल के? एक है 10 साल के, एक है 5 साल के जी। तो आपके पीछे कौन? अभी परिवार वालों को पता है? कोई रिश्तेदार को, मोहल्ले वालों को? नहीं, मोहल्ले वाले को पता है जी, रिश्तेदार को पता नहीं, मोहल्ले के सारे को पता है जी कैसे हैं वो। अभी वो आपके साथ आए हैं सभी? हाँ जी, सभी हमारे साथ ही आए हैं। तो क्या मांगे आपकी? मेरे मांगे मेरे को इंसाफ दे दो बाजी। मामला दर्ज है प्रवासी वालों सुसाइड किया गया तो कितना देर जाम लगाए गए? कल एक मुन्ना लाल का ना का प्रवासी व्यक्ति ही उम्र कोई 38 साल हो गई, उन्हें कल सुसाइड की अपनी छत में रस्सी बन के आ ले लिया। उस उन्होंने एलीगेशन लाए ने कि बब्बू ना की जनानी है, वो घर के लिए वाइफ काम करती, तो भी झगड़ा हो गया, उस संबंध सुसाइड नोट दिता, जो बनती कार भी करती, बाकी पोस्टमार्टम कराया जा रहा है, अगर नैक्सट जो भी है सीनियर अफसर डिस्कस करके कार्रवाई।